पास जा रही है। दोपहर का टाइम हो रहा है, खांसी आ रही है और ये मैंने ब्रेड निकाला है। आज लंच में मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो प्याज यहाँ पे भून रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। इतनी खांसी आ रही है कि क्या ही बताऊँ। अभी मैंने एग्जॉस्ट चलाया है और ये देख सकते हो आप, बस ये भून गया अच्छे से। मुझे नहीं पता था मिक्स पहले डाल दी मैं, समझ में। आलू रात में का बॉईल किया हुआ था, जो चोखा बनाई थी ना, जब छील रही थी तो मुझे ज़्यादा लगा था और तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। वैसे भी चोखा में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, दो आलू और कम करना बनाना था रात में। लेकिन देखिए बहुत अच्छे से इससे ना मैश हो जा रहा है, क्योंकि मैं पैन में सेक रही हूँ, ये आयरन वाला पैन है। ऐसे ना जो भी नमक उमक तो मैं प्याज के साथ डाल दी थी, हल्दी नमक ये सब इसके साथ मैश हो जाएगा। मैं चाहूँगी तो इसी में ना थोड़ा सा सॉस भी डाल दूँगी। अभी मैं डालूँगी उसको लास्ट में, जब ये भून जाएगा तब मैं इसी में सॉस भी डाल दूँगी। बहुत अच्छा लगता है सैंडविच। आलू को भून ली हूँ, अब ये ब्रेड निकाल देती हूँ। मैं सोच रही हूँ दो दो बनाऊँ, स्पर्श तो दो खाएगा, दो से ज़्यादा नहीं खाएगा, मैं तीन खाऊँगी सैंडविच। तो पता नहीं तीन आ भी पाएगा कि नहीं, नहीं आ पाएगा, तीन ब्रेड ही नहीं है, एक छोटू सा हो जाएगा। मतलब एक को हाफ में से ऐसे बनाना पड़ेगा फोल्ड करके, बाकी चार ही बनेगा। चलो ठीक है, जितना है उतना बना लेते हैं। ये तो डब्बे में से ना पूरा का पूरा इसमें से खत्म कर दे रही हूँ, क्योंकि आज शाम को मंगाऊंगी। कल ही पिज्जा बनाना था, बट इतना से थोड़े ना पिज्जा बनेगा, थोड़ा थोड़ा जितना भी है इसको पोंछ पाछ के मैं सैंडविच में लगा दे रही हूँ दोनों में से। उसका इसको तो गाइज यहाँ पे बहुत ही थोड़ा थोड़ा था। मैं इनको कम से कम ना 20-25 दिन से बोल रही हूँ कि आप ये पिज्जा वाला, पिज्जा टॉपिंग वाला लेके आओ और साथ में मेयोनीज भी लेके आओ, तो ये लेके ही नहीं आ रहे हैं। तो अब वो जो पिज्जा वाला बेस है ना, वो भी कितने दिनों से पड़ा हुआ है, 4-5 दिनों से पड़ा हुआ है। अब देखिए कितना थोड़ा थोड़ा मैंने लगाया है। और ऐसा भी नहीं है कि शॉप दूर है, ये वो कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं आ पा रहा है। पता नहीं इनको, ये भी सुनते नहीं आजकल ना। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा जो भी था उसको मैंने लगा दिया है। उसके बाद जो आलू को भून के रखी थी, अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तो इसको मैं ब्रेड के ऊपर रख दे रही हूँ। और इसके में डायरेक्ट मैं इसी में मिक्स कर दी होती ना, तो भी वो भी बहुत अच्छा लगता है सॉस वगैरह आलू के साथ ही मिक्स कर दो पहले तो। लेकिन अभी मैं ना थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी और बस इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दे रही हूँ सारे ब्रेड पे। और उसके बाद ऊपर से मैं डालूंगी केचप थोड़ा सा, उसे भी टेस्ट बहुत अच्छा देता है। आप चाहो तो प्याज ये सब भी डाल सकते हो, लेकिन प्याज वाला नहीं बनाना है क्योंकि वो स्पर्श निकाल के फेंक ही देता है और बर्गर में रहता है ना, तो बर्गर वाला खा जाता है। इसके ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा मैं पनीर डाल दे रही हूँ, ये पनीर होममेड है। घर पे कहीं एक दिन दूध फट गया था, तो मैं बना के और इसको बंद करके फ्रिज में रख दी हूँ, तो कभी भी काम आता है तो बना लेती हूँ, कभी भुजिया बना लेती हूँ, ऐसे रहता है। तो पनीर थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया, इसके ऊपर से एक ब्रेड और लगा दूंगी। और फिर हाँ, ये केचप लगाना भूल गई थी, तो ये अभी मैं लगा रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दिया, जीरा डाल दिया, हरी मिर्च और प्याज वगैरह डाल दिया। उसके बाद जो पनीर होममेड रखी थी ना, उसी का मैं बना रही हूँ और जिसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। हल्दी नमक मैंने डाल दिया। शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 होने वाले हैं, 10 मिनट टाइम है। मैं जा रही हूँ अभी ये सामान लेके, एक तो मुझे बैंगल्स चेंज करना है और साथ ही साथ मुझे गिफ्ट्स लेना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, तो शाम को जाना है। 7:30 जाएंगे, ये तो रहेंगे नहीं क्योंकि ये 9:30 बजे तक आते हैं, तो मैं और स्पर्श दोनों जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए। टॉप और वो पहनी थी, लेकिन चेंज कर लिया मैंने अभी, कुर्ती वहीं पहन के निकल रही थी, फिर मेरे दिमाग में कि नहीं कुर्ती पहन लेती हूँ, मुझे कुर्ती ज़्यादा पसंद है, सो मैंने ये वाली कुर्ती वेयर कर ली है। 4 साल पुरानी कुर्ती है ये। चलो स्पर्श आ जाओ, बहुत कुछ रिकॉर्डिंग कर पाई थी। यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आ चुकी हूँ, मेरे साथ स्पर्श ही अभी ऑफिस से ही नहीं आए हुए थे, इधर साइड में सारे लोग बैठे हुए हैं और बस अभी हम लोग बातें जाते कर रहे थे और फोटोज़ वगैरह जो भी है सब जिसको मर्जी हो रहा था वो क्लिक करवा रहा था। मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ यहाँ पर। ये देखिए मस्त सा डेकोरेशन हुआ है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये वाला ब्लैक और ये जो ब्लैक येलो का कॉम्बिनेशन है, ये रही गरिमा।
कैंडल वगैरह लग जाएंगे ना। इसमें तो पार्थ है, छोटू छोटू पार्थ, पार्थ हम उधर जाएंगे। और अभी आ गया केक और सारे बच्चे एकदम एक्साइटेड थे केक को देख देख के। और ये रहा पार्ट बर्थडे बॉय एंड केक बड़ा ही सुंदर था, देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था केक। और जब कैंडल लग गया तो चार चांद लग गया केक में और सब बच्चों का ना निगाह जो था ना वो सारे सब केक पे ही था। ऐसे रहते ही है ना जब केक कट होता है तो केक खाना है ये लगा रहता है बच्चों का। तो बस यहाँ पे अभी केक कटिंग होने वाली है और जितना मेरे से रिकॉर्ड हो पाया है वो मैं की हूँ। यहाँ है मेरी फ्रेंड और भैया और पार्थ है बीच में। तो अभी केक कटने वाला है और थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह भी हो रहा था ना क्लिक हो जाए क्योंकि यही तो यादें रह जाती हैं। पार्टी तो निकल जाएगी, हम उसको उतना याद नहीं करते लेकिन फोटो। हाँ वही खिला दो निकाल के। नहीं खा सबको एक एक खिलाओ पार्थ आप। और पार्थ को नहीं खिलाई की आ रही तुम्हारे बाल आ जा रहे हैं। पापा को खिला दो पहले, पापा को। आ रही है, स्पर्श खा लो। अब दक्ष भैया को खिलाओ फिर से लेना। स्पर्श शिवाय कहाँ है? शिवाय कहाँ? आ जाओ, आओ जल्दी आओ। केक कितनी जल्दी से रह दी है ना। कोई बात नहीं, वो समझते हैं। अभी आपको अभी खासी आ रही है मैं सेव करके लाई हूँ बट टाइम ही नहीं मिला बनाने का। देख लो भेज दो। हाँ जा रही है मैम, मैडम नहीं, मैडम स्कूल की मैडम या आ जाओ गरिमा, तुम्हारे से पहले तुम्हारे घर मैं जा रही हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, रात के 10:30 हो गए थे और अभी सीधे घर पे जा रहे हैं। गरिमा की यहाँ से पास में ही था घर तो वहाँ जाएंगे, वहाँ डांस वांस करेंगे रात को आंटी के साथ। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा मैं मखाना ले रही हूँ और फ्रूट्स लूंगी, ये मैं ब्रेकफास्ट करूंगी अभी। एंड सुबह सुबह अभी मैं ठीक कर रही हूँ बेड वगैरह बेडरूम में सबसे पहले। और इधर आजकल हम लोग पिलो लगा के सोते हैं क्योंकि इधर ना गर्मी लगती है तो फैन इस साइड है तो इधर ही हम पिलो लगा लेते हैं। और आज का ये मॉर्निंग का ये वीडियो है। अभी नहा धो के सब मैं पूजा वगैरह कर ली थी, स्पर्श स्कूल जा चुका है, उसके बाद ये सब मैं काम करने लगी हूँ। और क्योंकि ये पहले नहीं हो पाता है, स्पर्श स्कूल चला जाता है उसके बाद फ्री हो के ही करती हूँ, उसका भी टाइम ही बना हुआ है सारा। भी कपड़ा भी बाहर डाल दी, कपड़े बाहर डालने के बाद फिर सोफ़ा कवर वगैरह ये सब मैं ठीक कर ले रही हूँ। और जो चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं कॉर्नर टेबल पे ये सब मैं हटाऊंगी, उसके जगह पे रखूंगी। ये बॉल तो पूछो नहीं, बॉल से परेशान हो चुकी हूँ। एंड ये सब काम करने के बाद ना मैं अभी आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मुझे रोटी बनाना था, दो या तीन रोटी, एक रोटी मैं मोटी बना दी हूँ। बताइए, मैंने अपनी मम्मी को देखा है
कि जब आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मम्मी मेरी ना मोटी रोटी बना, तो मैंने भी आज यहीं ट्राई किया है। वो चीज़ें ना जो होते हैं ना, कुछ गुड़ जो होते हैं आ जाते हैं ना, तो बस यहाँ पे सब्जी निकाल ली, रोटी निकाल ली और दूध था जो मैंने एकदम गाढ़ा किया था, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दे रही हूँ। यही अम्मा मेरा ब्रेकफास्ट है, बाकी स्पर्श तो खा के चला गया। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।